दुनिया भर में अपनी पीतल की चमक के लिए मशहूर मुरादाबाद में एक ऐसा भी समय था जब सिर्फ पुरुष ही पीतल पर नक्काशी का काम किया करते थे, लेकिन जब से प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू किया है, तब से आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं भी इस काम में अपना हाथ आजमा कर न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपना भविष्य भी गढ़ रही हैं। पीतल पर नक्काशी करने वाली तमाम महिलाओं का कहना है कि पहले हम यह काम अपने आसपास होता हुआ देखा करते थे, लेकिन जब से हमने एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से निःशुल्क ट्रेनिंग और टूल किट लेकर अपना हाथ आजमाना शुरू किया तो हमारी कला में निरंतर सुधार होता गया, जिसके चलते आज हम अपने घर बैठे यह काम कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि उन्हें काम के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। वहीं तमाम घरों की दूसरी महिलाएं भी अब हमसे काम सीखकर अपने घरों में काम कर रही हैं। महिलाएं यह भी कहती हैं कि एक जिला एक उत्पाद योजना का परिणाम है जो आज हम आत्मनिर्भर बने हैं और हम किसी के मोहताज नहीं रहे। उसके वहां पर मैं ट्रेनिंग करके आई, ट्रेनिंग में सीख के आई, अब मैं अपने घर बैठ कर करती हूँ इस काम को। और मैं अब परिवार में खुद ही हूँ करने वाली, मेरे बच्चों का और इससे ही चलता है मेरा। और लेडी से भी मेरे पास आती हैं, वो भी काम सीखती हैं, करती हैं, अपना यह है से गुजारा चल रहा है। अब ये दूसरों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि अपने आप खुद निर्भर बनो और के कमें अपना काम आगे लेके जाओ खुद। करीब 4-5 साल से कर रहे हैं ये काम। ये हमने कुछ अपने घर पर मतलब आसपास देख कर के सीखा, हमारी आंटी वगैरह करती थी उनको देख कर सीखा, फिर कुछ हम वहाँ गए पीतल बस्ती सेंटर, हमने वहाँ से सेंटर किया, वहाँ से कुछ जानकारी मिली और ज़्यादा जानकारी मिली और ज़्यादा वहाँ से सीखा, वहाँ से फिर हमें उसके बाद में कुछ सीखने के बाद में हमें टूल किट भी मिली और अब हम इसको सीखने के बाद में पूरी तरीके से घर पर करने लगे, घर पर कर रहे हैं, अच्छा लगता है और कुछ सहूलियतें भी होती हैं, थोड़ी परेशानियाँ भी दूर होती है। और अब यह काम मतलब मिल रहा है थोड़ा, मतलब हम अपने है ना काम करते हैं, अपने बच्चे हैं हमारे 4 बच्चे, हम उन बच्चों को इसी का से करके वो खिलाते हैं। मुझे 1 साल से सीख रही हूँ मैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या कहते हैं इस काम को? उलझाई का काम कहते हैं। अच्छा, ये क्यों अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है क्या, घर की परेशानी भी दूर हो जाए, मैं ये सीख जाऊँ, थोड़ा साफ सफाई का काम है इसलिए मैं चाहती हूँ मैं ये सीख जाऊँ, नहीं घर पर ही मिल जाता है, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता।